सिर पर मरकूज रही। वो है दोस्त और वो प्यारा, वो है दोस्त और वो प्यारा, ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ कोई नहीं है अपना, यहाँ कोई नहीं जज्ब की मादरी जबान उर्दू नहीं थी, मगर उनकी पूरी जिंदगी उर्दू जबान की खिदमत के सुपुर्द थी। फूलों से, बुलबुलों से, गुलिस्तां से खेलिए, फूलों से, बुलबुलों से, गुलिस्तां से खेलिए। वहशत न हो तो फसलें बहारा से खेलिए, फूलों से, बुलबुलों से, गुलिस्तां से खेलिए, फूलों से, बुलबुलों से, गुलिस्तां से खेलिए। वहशत न हो तो फसलें बहारा से खेलिए, फूलों से, बुलबुलों से, गुलिस्तां से खेलिए। जज्ब के यहाँ भी सूफियाना मजामीन की कसरत है, इसीलिए उन्होंने हरम और बुतकदे में कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया। ये कहते हो कल आएंगे, फिर उस पर मुस्कुराते हो। ये कहते हो कल आएंगे, फिर उस पर मुस्कुराते हो। चलो बस जाऊं मैं समझा, चलो बस जाऊं मैं समझा, ये सब कहने की बातें हैं। वो है दोस्त और वो प्यारा। नाजरीन आदाब, आफ्ताब सुखन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, उर्दू भारत की सरजमीन की उपज है, ये हम सब जानते हैं, जिसके मरकज दिल्ली और लखनऊ हुए। लेकिन इसकी मकबूलियत हिस्सों में बंटकर महदूद नहीं हुई। जुनूबी हिंद में जिन लोगों ने उर्दू जबान की तरक्की में नुमाया किरदार अदा किया, उनमें से एक मकबूल नाम है पंडित रघुवेंद्र राव जज्ब का। जज्ब की मादरी जबान उर्दू नहीं थी, वो कर्नाटक के जिला रायचूर के गंगावती इलाके में 2 अप्रैल 1894 को पैदा हुए थे। 2 साल की छोटी सी उम्र में एक दौलतमंद खातून ने उन्हें गोद ले लिया, और जब उन्होंने होश संभाला तो अपने आसपास के लोगों को कन्नड़ बोलते हुए पाया। पंडितों से संस्कृत और सैयद मखदूम हुसैनी से उर्दू फारसी सीखी उन्होंने, यानी एक ऐसा जबानदान जिसने सारी जबानों की खूबसूरती को अपनी शायरी में रम लिया। रघुवेंद्र राव जज्ब के लिए शायरी का मकसद सिर्फ और सिर्फ उर्दू का फरोग था, इसीलिए उन्होंने जिला रायचूर में शेर व सुखन की खिदमत के लिए एक अंजुमन बनाई, बज़्म सुखन, जहां मुशायरों और अदबी महफिलों ने दक्कन की सरजमीन को उर्दू की खुशबू से सरशार कर दिया। जज्ब का सबसे बड़ा कारनामा था कि उन्होंने संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु की नादिर किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया। कन्नड़ और उर्दू लुगत की उन्होंने तरतीब की, जिसने उर्दू और कन्नड़ जबान को करीब लाने में बेहद अहम रोल अदा किया। कौन नजरअंदाज कर सकता है रघुवेंद्र राव जज्ब के इस कॉन्ट्रीब्यूशन को और इस हकीकत को कि उर्दू किसी एक तबके की नहीं, अवाम की जबान है और हर मजहब और फिरके की जबान है। जज्ब क्योंकि कई जबानें जानते थे, लिहाजा उन्होंने जबानों के इल्मी खजानों का भी जज्म किया और उसका उनकी शायरी पर गहरा असर पड़ा। उनकी नजर हिंदू वेदांत और फलसफे पर भी थी, तो दूसरी तरफ वो तसव्वुफ और रूहानियत में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। बहरहाल, जज्ब का मौजूए सुखन कुछ भी रहा हो, उन्होंने जो कुछ भी कहा, हमें तो ऐसा लगा गोया यही हमारे दिल में। हर मौज से उठाइए सीने में मौज ना, हर मौज से उठाइए सीने में मौज ना,
खेल है तूफान, सिर्फ खेल है तूफान से खेलिए, तूफान सिर्फ खेल है तूफान से खेलिए। वहशत न हो तो फसले बहारा से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए। नाज़रीन, अहमद इम्तियाज़ का आदाब। अभी आप रघुविंदर राव जज्ब की गज़ल सुन रहे थे। रघुविंदर राव जज्ब 20वीं सदी के एक अहम शायर थे। आइए हम अब उनकी शख्सियत और शायरी से के हवाले से बातें करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं गौस सिवानी साहब। गौस सिवानी साहब, हम आपका इस महफिल में इस्तकबाल करते हैं। गौस साहब, जज्ब साहब 20वीं सदी के शायर थे, लुगत नवीस थे, तर्जुमा निगार थे और उर्दू फारसी के अलावा कन्नड़, तेलुगू और संस्कृत ज़बान में भी काफ़ी दस्तरस रखते थे। इतनी जिहाद के मालिक शख्सियत के बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? रघुविंदर राव जज्ब का जो ज़माना है, उस ज़माने में उर्दू के बहुत बड़े बड़े शोरा मौजूद थे, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद थी। जो चीज़ उन्हें दूसरों से मुमताज़ करती है वो यही है कि उन्होंने हर शोहरत और नामवरी से अलग रहकर उर्दू ज़बान और शेर व सुखन की खिदमत अंजाम दी। 1894 में उनकी विलादत हुई और 1973 तक वो ज़िंदा रहे। आप देखिए, ये वो ज़माना है जिस ज़माने में बड़े बड़े शोरा मौजूद हैं और इतने बड़े बड़े शोरा, बल्कि उस अहद की अगर आप शेर व सुखन की तारीख पढ़ें तो आपको हैरत महसूस होगी कि कोई गांव, कोई इलाका, कोई महल्ला, कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे बड़ी तादाद में शोरा मौजूद ना हो। शायद ये वो ज़माना है जिस दौर में सबसे बड़ी तादाद में शोरा मौजूद रहे हैं। अब इतने बड़े शायरों के बीच में रहते हुए किसी शायर की अपनी पहचान बना लेना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो रघुविंदर राव जज्ब को अगर आज हम याद कर रहे हैं तो इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने सच्चे दिल के साथ उर्दू ज़बान की खिदमत की और उर्दू से वो जुड़े हुए रहे। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे इसकी वजह से शोहरत मिले, नामवरी मिले। वो सिर्फ चाहते थे कि ज़बान ज़िंदा रहे। जबकि सच्ची बात यह है कि वो खुद, उनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी। बचपन में उन्हें एक सीताबाई नाम की एक खातून ने गोद ले लिया था 2 साल की उम्र में और उन्होंने इनकी परवरिश की। ये बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जिन खातून ने इन्हें गोद ले लिया था वो इंतहाई दौलतमंद थी, लिहाजा इनकी बहुत ही नाज़ो नेमत के साथ परवरिश हुई। उनकी वो खातून जिन्होंने गोद लिया था, उनकी मादरी ज़बान कन्नड़ थी, तो इन्होंने उनसे कन्नड़ सीखी। राजा राम नरसू से इन्होंने फारसी ज़बान सीखी, ख्वाजा मखदूम हुसैनी से इन्होंने अरबी ज़बान सीखी, मुख्तलिफ पंडितों से इनके ताल्लुकात रहे और इन्होंने वहाँ संस्कृत ज़बान सीखी। तो इन्होंने इतनी ज़बानों के अंदर दस्तरस हासिल कर लिया। फिर इन्होंने बाकायदा इसी की डिग्री भी ली। उस ज़माने में अदीब फाजिल और मुंशी फाजिल के इम्तहानात हुआ करते थे जो उन्होंने पास किए। इसी के साथ पेशे से वो वकील भी हो गए। तो वो अगरचे अहले ज़बान में नहीं थे लेकिन उर्दू ज़बान की उन्होंने खिदमत की और इस लिहाज से उनका कारनामा बहुत अहम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनूबी हिंद में उर्दू की खिदमत करने वाले एक जज्ब साहब हैं। बिल्कुल, जनूबी हिंद में तो इस तरह के शोरा और भी हैं। हाँ, बिल्कुल हुए हैं ऐसे शोरा, लेकिन उनकी ख़ास बात यह रही कि कर्नाटक के आलमपुर इलाके में जहाँ इनकी परवरिश हुई और तालीम व तरबियत हुई, उस इलाके में जब ये वकील हो गए और 15 साल तक वहाँ इन्होंने वकालत की, इस बीच में इन्होंने बज़्म सुखन नाम की एक तंजीम बनाई, एक अंजुमन बनाई और इस अंजुमन का काम यह था कि उर्दू की ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम किया जाए। तो इस बैनर के तहत उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए ये काम करते थे
और मुसलसल 12 साल तक जी इन्होंने माहाना मुशायरे करवाए। मुसलसल 12 साल तक इन्होंने माहाना मुशायरे कराए जिसमें इलाके के तमाम शेर फहम और सुखनवर लोग शामिल हुआ करते थे। बड़ी तादाद में लोग आते थे, इसमें मौजूद रहते और इस तरह से उर्दू की नशोनुमा के लिए ये काम करते रहे, ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम करते रहे, उर्दू शायरी के फ़रोग़ के लिए ये काम करते रहे। फिर वहाँ से एक ज़माना हुआ आया जब ये हैदराबाद चले आए। हैदराबाद में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और हैदराबाद में भी इनका ये सिलसिला जारी रहा और इसके लिए मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से इन्हें कई तरह के एजाजात भी दिए गए और बहुत खामोशी के साथ ये उर्दू ज़बान और फ़िक्र फ़न की खिदमत में लगे रहते थे। गौस साहब, जज साहब के कलाम को हम देखते हैं तो उसमें जिस तरह से तसव्वुफ़ के पैगामात हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारे उर्दू के सूफ़ी शायर हैं? देखिए, इनके यहाँ ख़ास बात यह है जी कि इन्होंने इस्लाम का तो मुताला किया ही था और इस्लामी तालीमात की जो रूह है वो तसव्वुफ़ है जी। इस रूह से वो वाकिफ़ थे जी। इसी के साथ साथ उन्होंने वेदों का मुताला किया था, गीता उन्होंने पढ़ा था जी। हिंदुओं की जो असातिरी रिवायात रही हैं एक लंबी, इन तमाम के ऊपर उनकी नज़र थी। और अब देखें तो तसव्वुफ़ के दो अंदाज़ उमूमन हैं, एक तो जिसे हम तसव्वुफ़ कहते हैं, दूसरा जो है उसे भक्ति कहा जाता है। तो तसव्वुफ़ और भक्ति, इन दोनों में एक नाजुक सा फ़र्क यकीनन है और इन दोनों से वो वाकिफ़ थे और इन दोनों का आमेज़ा उनके कलाम में मिलता है। सूफिया के यहाँ चूँकि इंसानियत की बात की जाती थी और वो इंसानों को मज़हब के नाम पे बांटने के कायल नहीं थे, ज़ात के नाम पे नहीं बांट सकते थे, इलाके के नाम पे नहीं बांट सकते थे, रंग और नस्ल की बुनियाद पे नहीं बांट सकते थे, तो सूफिया के यहाँ इंसानियत की बात की जाती थी। और जज्ब के यहाँ भी वही मामला है कि इन्होंने इंसानियत का दर्स दिया और लोगों को वही पैगाम देने की कोशिश की जो सैकड़ों साल से इस मुल्क में सूफिया देते रहे हैं, संत देते रहे हैं, अल्लाह वाले देते रहे हैं। उनका एक बहुत मशहूर शेर इस ताल्लुक़ से मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। सुनाइए ज़रूर। हरम और बुत का दे में कुछ नहीं जो कुछ है दिल में है, हरम और बुत का दे में कुछ नहीं जो कुछ है दिल में है, मैं सब कुछ जज्ब कह दूँगा, ये सब कहने की बात है। हमारी उर्दू शायरी में जो सूफ़ी शायर कहलाते हैं, दर्द हैं और उसके बाद आतिश को रखिए, इनके ज़माने में असगर गोंडवी भी हैं, गालिब और इकबाल को अगर हटा दें तो क्या इनके असरात हमें इनके यहाँ नज़र आते हैं? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि इनमें से किन का उन्होंने असर कबूल किया जी, लेकिन जो उर्दू शायरी की रिवायात रही हैं जी, तो उनमें शुरू से ये सूफिया के ख्यालात पाए जाते हैं। आप देखिए कि बल्कि उर्दू के जो पहले अल्फाज और दोहे मिलते हैं जी, वो बाबा फरीद के यहाँ मिलते हैं जी, जी। और हज़रत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी के यहाँ मिलते हैं और भी कुछ इस तरह के बुज़ुर्गों के यहाँ मिलते हैं जी। तो वहाँ से उर्दू शायरी की इब्तिदा भी हो रही थी, उर्दू उन्हीं के आस्थानों पर परवान चढ़ रही थी, तो ज़ाहिर है कि इसके खमीर में वो चीज़ें शामिल हो गई थी। तो इसका उर्दू शायरी का ये हिस्सा बन गया। उसके बाद से जैसे जैसे उर्दू शायरी आगे बढ़ी है, आप देखिए चंद्रभान ब्रह्मन जो खूब बहुत सूफ़ी मनुष्य इंसान थे और शाहजहाँ मुग़ल बादशाह के ये वज़ीर आज़म थे,
उन्होंने फ़ारसी और उर्दू में शायरी की, उनके यहाँ भी ये तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मिलती हैं। उनके बाद फिर जो शोरा है उनके यहाँ भी सूफियाना मज़ामीन मिलते हैं, तसव्वुफ़ और इरफान के मज़ामीन मिलते हैं, तो उसी तरह से उसी सिलसिले की एक कड़ी हम इन्हें कह सकते हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उनमें से किसी एक से उन्होंने असर कबूल किया था, अब बल्कि इस पूरे सिलसिले से मेरे ख्याल से उन्होंने इस्तेफादा किया। अच्छा वाह साहब, जज साहब कर्नाटक में पैदा हुए, कन्नड़ उनकी मादरी ज़बान है, उर्दू शायरी जो ये कर रहे थे उस पर कन्नड़ ज़बान के कुछ असरात हैं? देखिए मेरे ख़्याल से अल्फाज उन्होंने कन्नड़ या संस्कृत वगैरह के चाहे ना लिए हों जी, लेकिन यकीनन उन्होंने ख्यालात लिए हैं वहाँ से जी जी, क्योंकि उनका एक अहम काम ये था कि चूंकि वो मुख्तलिफ़ ज़बानें जानते थे, संस्कृत जानते थे और मज़हबी किताबों का उन्होंने मुताला किया था, तेलुगू जानते थे, कन्नड़ जानते थे, अरबी फ़ारसी जानते थे, तो इन सभी ज़बानों में जो उलूम व फ़नून की किताबें हैं और उन किताबों के अंदर जो इल्म व फ़न का अज़ीम ख़ज़ाना मौजूद है, उस पूरे ख़ज़ाने से इन्होंने इस्तिफादा किया और अपने अंदाज में अपने लबो लहजे में उन्होंने उर्दू में इसे उतारने की कोशिश की है। तो हर तरफ के ख़जाने उन्होंने लिए हैं और उसे उन्होंने उर्दू में पेश करने की कोशिश की है। आपकी राय क्या है, इनकी गज़ल नज़में भी कही हैं इन्होंने? इन्होंने नज़में तो बहुत कम कही हैं, कही हैं। गज़लें कैसी हैं? हाँ, गज़लों के ये शायर हैं और गज़लें इन्होंने बहुत अच्छी कही हैं जी। उसके अलावा रुबाइयात इन्होंने कही हैं जी जी, अलमुगाने जज्ब के नाम से एक रुबाई का मजमूआ भी है, इनका उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं। बिल्कुल, ये रुबाई बहुत अच्छी कहते थे जी, और जिस तरह से इनकी गज़लों पे सूफियाना असरात हैं, तसव्वुफ़ और इरफान के असरात हैं जी, भक्ति के नज़रियात पाए जाते हैं जी, बिल्कुल उसी तरह से इनके रुबाइयात में भी जी जी इसी किस्म के मज़ामीन मिलते हैं। ज़िंदगी की बेसबाती जी जी ये बहुत बड़े पैमाने पे इनका नज़र आती है, ज़िंदगी के जो बुनियादी हकायक हैं उन्हें इन्होंने अपनी रुबाइयात में पेश करने की कोशिश की है। ये ज़िंदगी हमारी आज है कल नहीं होगी, इन चीज़ों के असरात सूफिया के यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो ज़ाहिर है कि इस तरह की चीज़ें इन्होंने अपनी रुबाइयात में पेश करने की कोशिश की हैं। इन्होंने कहा है, है हस्ती मोहूम शबाब हस्ती, है हस्ती मोहूम शबाब हस्ती, उल्टेगा कोई दम में निकाबे हस्ती जी, उल्टेगा कोई दम में निकाबे हस्ती, मैखाने दुनिया में नले हाथ में जाम जी, मैखाने दुनिया में नले हाथ में जाम, आलूदे जहर है शबाब हस्ती जी। तो ज़ाहिर है कि इस रुबाई के अंदर ज़िंदगी बेसबाती को उन्होंने पेश करने की कोशिश की है, तो ये उनसुर उनके रुबाइयों में बहुत नुमाया है जी, और उनकी पूरी किताब में अरमगान जज्ब में तकरीबन इसी किस्म की रुबाइयाँ मौजूद हैं। तो इसमें तसव्वुफ़ और अच्छा वो सब जिस तरह से आपने अभी ये बताया कि वो हर तरह पैगामात तसव्वुफ़ के, क्या कबीर से भी भक्ति तहरीक की बात आई तो मैं ये चाह रहा था कि नाज़रीन को ये बताएं कि कबीर के असरात हैं इनके यहाँ, उनके यहाँ भी इसी तरह के दोनों तसव्वुफ़? देखिए इन्होंने हर तरह के लोगों को पढ़ा था, यकीनन जब इन्होंने वस्त एशिया के जलालुद्दीन रूमी को पढ़ा था, हिंदुस्तान के अमीर खुसरो को पढ़ा था जी, तो इन्होंने कबीर को ना पढ़ा हो, अब्दुल रहीम खान खाना को ना पढ़ा हो, रस खां को ना पढ़ा हो, ये मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं है जी, जी। तो यकीनन उन्होंने इस्तेफादा वहाँ से ज़रूर किया होगा, वो चाहे उनका नाम आए ना आए, लेकिन इस्तेफादा बहरहाल उन्होंने उनके ख्याल से किया होगा, ये मुमकिन है। तो गौस साहब, उर्दू शायरी में जज साहब को आप क्या मकाम देना चाहेंगे? मेरे ख़्याल से किसी के साथ किसी का मुआजना करना मुनासिब, ये मुनासिब नहीं होता है, तो हम किसी से उनका मुआजना नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक ख़ास बात जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि उन्होंने ज़िंदगी के हकायक को पेश करने की कोशिश की, जो इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी बातें हैं उन्होंने अपनी शायरी में पेश करने की कोशिश की, उनकी गज़लों में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, पंदो नसीहत के मज़ामीन उनकी गज़लों में बड़े पैमाने पर मिलते हैं, और इसी के साथ साथ जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि वो रूहानी तौर पे सुकून हासिल कर ले, तो इस सुकून के लिए इंसान हमेशा तसव्वुफ़ और भक्ति की तरफ देखता रहा है
तो इस तरह के मज़ामीन उनके इस शायरी में भी मिलते हैं। तो बहरहाल उनकी अगर मजमूई तौर पे देखें तो उनकी उनके अशार में तसव्वुफ़, भक्ति, पंदो नसीहत, ये मज़ामीन मिलते हैं। गौस साहब, रघुवेंद्र राव जज्ब के बारे में आपने बहुत पुरमक्स बातें बताईं और इस महफिल में आप आए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ए जज्ब खूब खेलिए जज्बात से मगर, ए जज्ब खूब खेलिए जज्बात से मगर, ए जज्ब खूब खेलिए जज्बात से मगर, ए जज्ब खूब खेलिए जज्बात से मगर। जिनहार भी न दीन, जिनहार भी न दीन और ईमान से खेलिए, जिनहार भी न दीन और ईमान से खेलिए। वहशत न हो तो फसले बहारा से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, फूलों से बुलबुलों से गुलिस्तां से खेलिए, फूलों से बुल